सभी दोस्तों को जी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से आप सभी पशुपालक भाइयों के साथ HLDV हरियाणा लिवस्टॉक डिपार्टमेंट बोर्ड के एक और बुल के रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। और आज की वीडियो में जो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो पहले मुश्किल से ही कभी आपने ऐसे बुल के ऐसे रिजल्ट देखने को मिले होंगे। तो आज की वीडियो में जो रिजल्ट मैं शेयर करूंगा, वो रिजल्ट शेयर करने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे के निशान को भी ऑल पे सिलेक्ट कर ले, ताकि आगे भी आपको जानकारियां मिलती रहे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर ले, वहां पर भी आपको पोस्ट के माध्यम से जानकारियां मिलती रहती है। और सबसे मेन चीज जो मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप पशुपालक भाइयों के पास HLDB और ICR यानी कि CIRB हिसार, HLDB हिसार और NDRI करनाल, इनमें से किसी भी सीमन बैंक के और किसी भी बुल के रिजल्ट आपके पास आए हुए हैं, तो चैनल स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर चल रहा है। आप हमें एक अच्छी सी वीडियो बनाकर पूरी डिटेल के साथ विद एड्रेस मोबाइल नंबर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम जो पशुपालक भाई संस्थान के बुलों को देख नहीं पाते और सीमन यूज करता, उनको हम बुल दिखा सके, साथ के साथ उनके रिजल्ट दिखा सके, ताकि जब भी हम सीमन यूज करें तो हमारे मन में एक भी परसेंट की शंका न रहे कि भाई बुल कैसा होगा और उसके रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे, ताकि आप आंख मूंद कर सीमन यूज कर सके। तो आज की वीडियो में जो बुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, HLDB हरियाणा लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट बोर्ड, जो कि हरियाणा के जो है लाइवस्टॉक की एक सरकारी संस्था है और इसकी तीन ब्रांचे हैं, हिसार, जगाधरी और गुड़गांव। तो आज का जो बुल है वो हिसार का है, पुराना बुल है जो आप सामने चैनल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2008 की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, 72204 जिसका नंबर है। और इस बुल का अगर मिल्क रिकॉर्ड की बात करें मदर साइड से, तो 4400 से प्लस का है, यानी कि तकरीबन 23 से 24 किलो पीक टाइम पर जिसकी माँ ने दूध दिया। इसके रिजल्ट मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, जो आप आज इसके रिजल्ट देख रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, जिस पशुपालक भाई ने हमारे साथ शेयर किए हैं, हरियाणा राज्य के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के रतिया तहसील के भुंडरावास गांव से हमारे साथ पशुपालक भाई ने रिजल्ट शेयर किए हैं। चैनल स्क्रीन पर पूरा एड्रेस विद मोबाइल नंबर मेंशन, आप कॉल करके भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले आप कटड़ी देख ले, जो कि जिस कटड़ी की उम्र 20 महीने से ऊपर हो चुकी है, इसकी बॉडी करेक्टर, लेंथ, हाइट, फेस क्वालिटी, शिंग क्वालिटी, पीठ पुट्ठा, टेल, और सबसे मेन जो बात है नीचे से टीट्स आप देख सकते हैं। बड़े जबरदस्त बुल ने अपने करेक्टर डोमिनेटेड किए हैं। अब जो मेन बात मैंने आपको बताई थी वो क्या है, आपको साथ में इसकी माँ दिखा रहा हूँ। इसकी माँ की क्वालिटी की अगर बात करें तो माथे पे फूल है, नीली रावी मिक्स है, दोनों पीछे वाले पैर सफेद हैं थोड़े थोड़े से, और जो बुल का सीमन लगा है वो बिल्कुल बुल ने अपने जींस बच्चे के अंदर मैं कहूंगा कि 100% डोमिनेट की है। बिल्कुल ब्लैक टेल आई हुई है, जेड ब्लैक जो हम कहते हैं, और कहीं पर भी कोई भी आपको ऐसा स्पॉट देखने को नहीं मिल रहा है। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आज के रिजल्ट दिखाए हैं, अगर इस बुल का सीमन आप यूज करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो करें, अगर सीमन यूज किया है तो निश्चिंत हो जाएं, और करना चाहते तो आप आंख मूंद कर सीमन यूज कर सकते हैं। रिजल्ट मैंने आपको दिखा दी है, और पुराने बुलों के रिजल्ट जो देखने को मिल रहे हैं, बड़े ही लाजवाब मिल रहे हैं। वैसे तो HLDB के जो नए बुल है लाइव में, उनके भी जेन्युइन रिजल्ट है, लेकिन पुराने बुलों का जो सीमन असली जिन पशुपालक भाइयों को मिल रहा है, बड़े जेन्युइन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो सभी भाइयों से वीडियो के लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ सुझाव शेयर करें भाई कैसी लगी आपको वीडियो। और फिर से वही बात, भाई HLDB जगाधरी और गुड़गावा और हिसारिया, ICIRB हिसारिया, NDRI करनाल, किसी भी बुल के रिजल्ट आपके साथ आए हो, चैनल स्क्रीन पर हमारा नंबर मेंशन, हमारे साथ शेयर करने की जो है आप कष्ट करें, ताकि हम चैनल के माध्यम से दूसरे पशुपालक भाइयों को रिजल्ट दिखा सके, ताकि जो भी सीमन यूज कर रहा है उनको ये हो जाए भाई हाँ हमने असली सीमन और जेन्युइन रिजल्ट वाला सीमन यूज किया। साथ के साथ वीडियो को शेयर कर दे।